नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जल्दी बंदिशें देखने को मिलेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए ये बंदिशें जो है वो लागू की जा सकती हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक दरख्वास्त है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट मिला करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्कूल और कॉलेज की, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में ही सबसे ज़्यादा जो है वो बंदिशें देखने को मिलेंगी। अभी मीडियाकर्मी द्वारा जब सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री जी से कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो है वो बंदिशें लागू की जाएंगी, तो उनका कहना था कि इसके संबंधित जो है वो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और जल्दी फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कैबिनेट मीटिंग में जो है ये बंदिशों के संबंधित जो है फैसला लिया जा सकता है। तो आप सभी जो है बंदिशों के लिए तैयार रहें, आपको जो है बंदिशें जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी चुनाव हाल ही में ख़त्म हुए हैं। तो अभी सरकार जो है वो बंदिशें लगाएंगी इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। फिलहाल के लिए जो है स्कूल की अगर हम बात करें तो आपकी ऑनलाइन स्टडीज जारी रह सकती है। अगर ये ऑफलाइन भी रहती है तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में भी जो है वो पूरी तरह से जो गाइडलाइंस है वो तैयार की जाएंगी कि किस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल आएंगे या किस तरह से जो है ऑड इवन डेज का ही रहेगा, वो सब कुछ जो है वो प्रस्ताव जो तैयार किया जाएगा उसी पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए ऑफलाइन ही क्लास रह सकती है, बट उनके लिए भी क्या कुछ रहेगा, शायद उनके लिए भी जो रेगुलर जो क्लासेस शुरू हुई थी उनको छोड़कर जो है वो उनके लिए भी ऑड इवन डेज रखा जा सकता है, या फिर उनके लिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है वो रखा जाएगा कि स्ट्रेंथ के हिसाब से मॉर्निंग इवनिंग सेशन जो है उनके लिए भी तय किया जा सकता है। फिलहाल के लिए देखना ये होगा कि क्या कुछ प्रस्ताव में रहेगा और क्या कुछ कैबिनेट के फैसलों में रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है कि सबको जो है वो कैबिनेट पर डिपेंड करेगा। तो जो भी नेक्स्ट कैबिनेट रहेगी उस पर आप अपनी नज़रें जरूर गढ़ाई रखी है और हम भी आपको उसकी अपडेट जरूर देंगे, और जैसे ही उसके रिलेटेड SOPs और गाइडलाइंस जारी होगी वो हम आपको जो है प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिलहाल के लिए ये अपडेट थी कि जल्द ही आपको जो है बंदिशें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये संकेत जो है आज दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।